अस्सलामु अलैकुम। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है वेजिटेरियन कबाब। देखने में तो ये बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन लग रहे हैं, लेकिन ये कबाब बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये वेजिटेरियन है। मैंने इसको फूल गोभी और आलू से बनाया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फूल गोभी और आलू के कबाब बनाना, जो बेहद ईजी है बनाना और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो इसके लिए मैंने 5 आलू लिए हैं, इनको उबाल लिया है, और ये फूल गोभी ली है, मीडियम साइज़ की है, इसको भी मैंने उबाल लिया है। और अब मैं इन दोनों फूल गोभी और आलू को मैश कर लूँगी। तो देखिए, मैंने फूल गोभी और आलू दोनों को अलग अलग मैश कर लिया है। और अब मैं एक बर्तन लूँगी और उसमें इन दोनों चीज़ों को डाल दूंगी। तो मैं पहले आलू डालूंगी और उसके बाद मैं इसमें फूलगोभी मिक्स कर दूंगी। ये फूलगोभी है, इसको भी मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था। तो अब ये डाल दूंगी। अब हम इसमें हरा धनिया थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा पुदीना हम डालेंगे। इन हरा धनिया और पुदीनों को बारीक काट लीजिएगा, मैंने बारीक काटा हुआ है। और 3 चम्मच रोस्ट किया हुआ बेसन, इसको डाल देंगे। 3 टीस्पून रोस्ट किया हुआ बेसन डालेंगे। और ये 1 मीडियम साइज़ की प्याज काटी है, इसको ऑमलेट स्टाइल में मैंने काटा है। प्याज डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून सौंफ पिसी हुई और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 2 हरी मिर्च, इनको मैंने बारीक काट लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम एक बॉल में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसे अपने हाथों पर अप्लाई करेंगे। इस मिक्सचर में से थोड़ा सा पोषण लेंगे और अपने हाथों की मदद से कबाब बनाएंगे। इस तरह से हम सभी कबाब बना लेंगे। मैंने इसमें 11 कबाब बनाए हैं। और अब हम एक पैन लेंगे और उसमें हम 3 टीस्पून ऑयल डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम ऑयल को गर्म कर लेंगे। देखिए, तेल गर्म हो गया है, फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। और अब हम इसमें एक एक करके कबाब डालेंगे। इन कबाबों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब एक साइड ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलिए हम चेक करते हैं। देखिए, इसकी एक साइड गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसको साइड को चेंज कर देंगे। दूसरी साइड भी हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करेंगे। इसकी दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम इन्हें एक प्लेट पे निकाल लेंगे।
गोभी आलू के कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। इन कबाबों को हम पुदीने की चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप मेरी इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी होती है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।